हेलो फ्रेंड्स, जैसे आज हम देख सकते हैं कि आज हम आपसे एक स्कार रिवीजन सर्जरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये एक पेशेंट है 24 ईयर ओल्ड। इनके बचपन में नाक के डॉर्सल एस्पेक्ट पे हम देख सकते हैं सामने एक चोट लगी थी और उसके कारण इनके स्कार बन गया है। स्कार बेसिकली बना है कि जो सूचरिंग वगैरह हुई थी वो अच्छे से उस तरह से जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई थी। अब ऐसे पेशेंट्स को जो अगर हमको स्कार को क्योंकि क्वालिटी हम बेटर कर सकते हैं अगर हम एक्सीजन के साथ में अच्छा फाइन सर्जरी करेंगे और फाइन सूचर्स का यूज़ करेंगे आफ्टर डिसेक्शन अच्छे से करने के बाद, तो हमारे जो स्कार रिवीजन रिजल्ट्स हैं उसमें बेटर आएगा। अब ये प्रोसीजर जो हम करते हैं वो लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं और इसके दौरान मरीज को किसी भी तरह के दर्द महसूस नहीं होता है। इसके अंदर जब आपके जो स्कार टिश्यू है उसको हम अच्छे से मार्क करके और अच्छे मार्जिन से उसको एक्साइज करते हैं, जिसको निकालते हैं एवं उसको पूरा फुल नीचे तक डिसेक्ट करते हैं जहां तक कि वो अपने जो भी टोटल फाइब्रोटिक पार्ट है जिससे कारण कि स्कार के ये शेप आया है और हमारे चेहरे की डिफॉर्मिटी हुई है, और तो उसको हम पूरे का पूरा नीचे फाइब्रोटिक पार्ट है वहां तक एक्साइज करते हैं और फिर उसको मल्टीपल लेयर्स में हम क्लोज करते हैं। इसके लिए बहुत हम फाइन सूचर का यूज करते हैं आफ्टर प्रॉपर डिसेक्शन एंड अंडरमाइनिंग, जिससे कि आगे जाके आपके जो क्योंकि फाइन स्कार जो इसके अंदर जो बनेगा स्कार वो स्कार बहुत फाइन रहेगा, एकदम पतले धागे की तरह दिखता है, और आगे जाके हम उसको और कैसे हल्का कर सकते हैं उसके लिए भी हम आपको ट्रीटमेंट और मसाज एडवाइस करेंगे। अब ऐसे पेशेंट्स को इस प्रोसीजर के बाद में बेसिकली आपका जो मुख्य चीज़ रहती है उसमें स्कार एक्सीजन के बाद या किसी भी सूचनिंग के बाद कि आपको जो सर्जिकल पार्ट है जहां हमने स्कार रिवीजन किया है उस हिस्से को इमोबाइल रखना, मतलब कि वो कम से कम उसका प्रयोग वो हिले कम से कम, जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट स्कार के जो रिजल्ट आएंगे वो और बेटर आएंगे। इसके अंदर क्योंकि फेस पे पार्ट है इसमें 5 to 7 डेज में हम सूचर निकाल देते हैं एवं फिर बाद में पेशेंट को ऑइंटमेंट एडवाइस करते हैं एवं स्कार रिवाइज करते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये स्कार वाला पार्ट है जो हमने अच्छे से मार्जिन के साथ में एक्साइज कर दिया है और इसको बाद में हम क्लोजर करेंगे अपने फाइन सूचर्स का यूज़ करने के लिए। ये देखिए ये क्लोजर शुरू हो गया है। अब इसके लिए हम पेशेंट के स्कार को और बाकी सब चीज़ों को कंसिडर करके डिसाइड करते हैं कि हमको कंटिन्यूस सूचर्स लेने हैं, हमको सबक्यूटेनस लेने हैं या रनिंग सूचर्स लेने हैं। आप देख सकते हैं दोनों को आप कंपेयर भी करेंगे तो आपको एक फ़र्क साफ साफ सामने दिखाई देगा कि जो सीधे हाथ की तरफ है वो फोटो के अंदर आपका स्कार काफ़ी बेटर लग रहा है एवं पहले के मुकाबले निशान बहुत ही हल्का है, जिसको भी हम आगे और ठीक कर देंगे।